नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो दिन के मिशन कश्मीर पर राजनाथ शांति बहाली के लिए करेंगे बातचीत, हो सकते हैं अहम ऐलान। राजनाथ के कश्मीर दौरे पर गुलाम नबी आजाद का बयान, राजनाथ का कश्मीर जाना अच्छा, पूछा सरकार ने क्यों की इतनी देर। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के ठिकानों पर सही निकला भारत का दावा, 9 में से 6 पत्तों पर संयुक्त राष्ट्र की लगी मुहर। पीएम मोदी ने दिए संकेत, राष्ट्रवाद के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी, बोले यही है पार्टी की पहचान। और मिशन यूपी में कांग्रेस ने दिया ब्राह्मण कार्ड का नारा, अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ युवा चेहरों को सौंपी कमान। और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। बीते 47 दिनों से कश्मीर घाटी में तनाव और अशांति के बीच शांति बहाली के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मिशन कश्मीर दौरे पर हैं, जहां वे राज्य प्रशासन के साथ ही सभी धड़ों के नेताओं से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। संभव है कि इस दौरान कुछ अहम ऐलान भी हो, जबकि राजनाथ की यात्रा से ठीक पहले घाटी में 11 साल बाद फिर से BSF की तैनाती की गयी। अपने 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचेंगे, वहां नेहरू गेस्ट हाउस में कश्मीर के प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे देरी से उठाया कदम करार दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे से ठीक पहले अभिनेत्री रम्या के पाकिस्तान पर दिए बयान पर उनका बचाव किया। आजाद बोले, रम्या ने ठीक कहा है कि दोनों देशों की आवाम मोहब्बत चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, ISI और उसके आर्मियों की नीतियां गलत है। वैसे वाजपेयी जी भी 2003 में पाकिस्तान गए थे और वहां की आवाम की तारीफ की थी। आजाद ने कहा कि राजनाथ सिंह अब जा रहे हैं अच्छा है, लेकिन सरकार ने इतनी देर क्यों की, सवाल तो है, ये प्रक्रिया तो काफी पहले शुरू होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर भारत के सतत रुख को उस वक्त संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिल गया जब इस विश्व निकाय ने भारत के इस पड़ोसी देश में अंडरवर्ल्ड डॉन के 6 पत्तों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र की ISIL और अलकायदा प्रतिबंध समिति की सूची में दाऊद के कई पासपोर्ट्स के बारे में सूचना शामिल है। इन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान में जारी पासपोर्ट भी है। भारत ने अपनी ओर से सौंपे गए डोजियर में 9 पत्रों का उल्लेख किया है जो 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद से संबंधित है। पाकिस्तान के एक अहम राजनीतिक दल मुतहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए कैंसर करार दिया है। लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हुसैन ने अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो के जरिए संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए अभिशाप है, ये वैश्विक आतंकवाद की धुरी है, पाकिस्तान जिंदाबाद कौन कहता है, ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वे पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने MQM के कार्यकर्ताओं को कवरेज नहीं देने के लिए पाकिस्तान मीडिया को भी भला बुरा कहा। दरअसल MQM पिछले कुछ समय से अपने कार्यकर्ताओं के गायब होने और उनकी हत्या के किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान के ऐतराज को नजरअंदाज कर भारत अब अफगानिस्तान को इस्लामिक आतंकवादियों से निपटने के लिए और अधिक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान की चिंताओं के बावजूद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले 15 सालों से भारत ने अफगानिस्तान की 2 अरब से ज्यादा के अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की है, मगर पाकिस्तान के साथ किसी तरह के टकराव को टालने के लिए वे अफगानिस्तान को हथियारों की मदद करने से परहेज करता रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कट्टरवादी तालिबान सरकार के गिरने के बाद पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने पहली बार अफगानिस्तान को 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने का ऐलान किया था। केंद्र की NDA सरकार में शामिल शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए PM मोदी से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर सवाल किए हैं। संपादकीय लेख में बलूच नेताओं पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए पार्टी ने लिखा, ऐसा भारत और मोदी का समर्थन करने पर हुआ है, तो क्या अब उन्हें मुक्त करवाने के लिए POK में सरकार सेना भेजेगी। बुधवार के अंक में शिवसेना ने लिखा है कि PM मोदी का समर्थन बलूच नेताओं को भारी पड़ रहा है, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, अब मोदी क्या करेंगे, नेताओं को मुक्त करवाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में सेना घुसाएंगे या बलूच नेताओं पर होने वाले दमन के खिलाफ एक और भाषण ठोक कर उसका धिक्कार करेंगे।
उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नारा राष्ट्रवाद होगा, पार्टी इसी के सहारे चुनावी मैदान में कूदेगी। ये संकेत खुद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए। पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में मोदी ने कहा कि राष्ट्रवाद पार्टी की पहचान है और इसे बनाए रखे। मंगलवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसके लिए तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि लोगों तक देशभक्ति का संदेश दिया जा सके। मोदी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सरकार के अच्छे कामों के बावजूद लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड का नारा होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे के साथ पार्टी राज्य के 12% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं के बीच जा रही है। पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को ये नारा रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जैसे युवा चेहरों को इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कमान दी गई है। इनके पीछे प्रमोद तिवारी, राजेश पति त्रिपाठी, भूधर नारायण मिश्रा जैसे पार्टी के पुराने ब्राह्मण नेता रहेंगे। तय किया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के ब्राह्मण नेता अपने अपने क्षेत्रों में गैर राजनीतिक मंच के जरिए पूरे राज्य में जिले में ब्राह्मण सम्मेलन करके ये नारा बुलंद करेंगे कि 27 साल बाद किसी दल ने हाशिए पर धकेले गए इस वर्ग की आवाज उठाई है। इसलिए अगर अब भी ब्राह्मण समुदाय नहीं चेता तो फिर आगे कभी कोई दल उनकी बात करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को कश्मीर के समाधान और गोरक्षकों के सम्मान पर संघ के नजरियों को लोगों के बीच स्पष्ट करने की लाइन दी है। कहा है कि कश्मीर मामले पर वे स्वयं कई बार अटल सरकार के प्रयासों को सराह चुके हैं। वही गौ सेवकों पर उठे सवालों पर न सिर्फ संघ बल्कि पीएम मोदी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। संघ प्रमुख ताज नगरी में 5 दिन के प्रवास के चौथे दिन 3 प्रांतों के 33 संगठनों के 236 शीर्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में भी अधिकांश कार्यकर्ताओं ने कश्मीर और पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारा गोरक्षकों के संबंध में दिए गए बयान के बाद उठ रहे सवालों पर संघ प्रमुख से प्रश्न किए, जिनका जवाब संघ प्रमुख ने दिया। केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री उमा भारती ने कहा कि सूखे और अतिवृष्टि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ का नेशनल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें बुंदेलखंड को भी शामिल किया गया है। 3000 करोड़ विश्व बैंक को बाकी केंद्र सरकार देगी। इस योजना की रिपोर्ट 2 साल में तैयार होगी। बलूचिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पीएम ने पाकिस्तान को घुटने के बल बिठा दिया है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि जमीन का पानी जमीन और पाताल का पानी पाताल में रहे, इसी पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना में पहले बुंदेलखंड शामिल नहीं था, अब उनके प्रयास से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ यूपी के बुंदेलखंड को भी शामिल कर लिया गया है। रियो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली रेसलर साक्षी मलिक दिल्ली पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर साक्षी का भव्य स्वागत हुआ। साक्षी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया है, मैं सबको शुक्रिया करना चाहती हूं। साक्षी बोली कि भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतना उनका सबसे बड़ा सपना था, वे इसके लिए बीते 12 साल से तैयारी कर रही थी। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर हिंदुस्तान पहुंची साक्षी मलिक का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। साक्षी मलिक ने कहा कि देश में जो माहौल बदला है उससे उनका भी हौसला बढ़ा है। उनका मानना है कि इस मेडल से देश में लड़कियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। पदक के बाद साक्षी पर ढेरों इनामों की बरसात हुई। आत्मविश्वास से भरी साक्षी ने कहा कि अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने की पूरी कोशिश रहेगी। रियो ओलंपिक से लौटी भारतीय एथलीट सुधा सिंह को स्वाइन फ्लू हो गया है। उन्हें बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है। ब्राजील से लौटने के बाद उन्होंने बुखार और बदन दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उनका जीका वायरस का टेस्ट किया गया, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें स्वाइन फ्लू है। इस समय सुधा डॉक्टरों की निगरानी में है और वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। सुधा ने रियो ओलंपिक में भारत के लिए 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में भारत प्रतिनिधित्व किया था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।